जो आज की स्थिति है उसमें हम एक लोकतांत्रिक सरकार के साथ बात कर रहे हैं और इसलिए हमारी जो संघर्ष की जरूरत है वो थोड़ी अलग है। हम चाहते हैं हमें मान्यता मिले, जो हमारा काम है उसको समाज स्वीकार करे, उसको सरकार स्वीकार करे। उसके लिए जो जरूरत है वो ये है कि हम अपना काम ऐसा करें जिसके लिए जिसकी समाज को जरूरत है, वो समाज के लिए जरूरी काम है, समाज के लिए उपयोगी काम है, तो समाज हमें मान्यता देगा, सरकार भी मान्यता देगी, कोई रोक नहीं। जो हमारे काम की समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमें अपने आप को संगठित करना चाहिए और संगठित करने की जो शुरुआत 2 साल पहले भंडारी जी ने की है वो उस प्रक्रिया का आखिरी चरण नहीं है, उसके आगे हमें बहुत कुछ करना है और उसके पहले जो किया जा चुका है उसका हमें लाभ उठाना है। अब बिल्कुल की जो व्यवस्था है, जो प्रेस मान्यता की व्यवस्था है उसमें कुछ कमियां हैं, उसको ठीक करने के लिए हम सब लोग अगर इकट्ठे खड़े हुए हैं तो हमारा रास्ता थोड़ा और आसान होने की उम्मीद है। मुझे विश्वास है कि जो मांगे यहाँ भंडारी जी ने इस ज्ञापन में रखी है उन पर और विचार करके उनको और लॉजिकल तरीके से पेश करके हम सरकार को और समाज को यह महसूस कराएंगे कि पत्रकार उपयोगी काम कर रहे हैं और उनके काम में सहयोग सरकार के लिए और समाज दोनों के लिए जरूरी है। जिस तरह पत्रकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है उसी तरह से एक और जरूरत यह है कि एक हेल्पलाइन बनाई जाए और हेल्पलाइन की जो मांग आपने की है उसके लिए हमें अपनी तरफ से क्या कोशिश करनी चाहिए, इसका एक स्वरूप एनयूजे ने करीब पिछले 10 महीने में वर्कआउट किया है। वो हेल्पलाइन सरकार के बिना भी चलेगी। हम पत्रकारों की जो हेल्पलाइन है पत्रकार संगठन चलाएंगे और पत्रकार चलाएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगी, ज़्यादा उपयोगी रहेगी। इसी तरह से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो जरूरत है उसके बारे में 2 योजनाएं एनयूजे के मंचों पर चर्चा के बाद लगभग तय हो गई हैं। एक ये कि पत्रकारों को सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाए, अपनी सुरक्षा के लिए हर एक आदमी को खुद ध्यान रखना चाहिए और हर पत्रकार को क्योंकि वो खतरे के स्थानों पर जाता है इसके बारे में और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम पत्रकारों के लिए हेल्पलाइन, पत्रकारों के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग और इसके साथ साथ एक पत्रकारों की जो छवि है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पत्रकारों की छवि आमतौर पर नकारात्मक देखी जाती है कि वो तो हमेशा ऐसी खबरें देते हैं जो सुबह दिन खराब करने वाली होती हैं, घटनाएं हैं और ये नुकसान हो गया, यहाँ वो हो गया, तो इस तरह की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए एक सजेशन दिया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने। उन्होंने कहा था कि पत्रकारों को एक कोशिश ये भी करनी चाहिए कि कोई सकारात्मक समाचार भी निकालें, ऐसे समाचार जिससे समाज में आत्मविश्वास बढ़े, समाज में अपने काम को खुद करने का एक जज्बा बढ़े। उन्होंने एक ऐसा प्रयास करने के लिए पत्रकारों को प्रेरणा दी थी कि वो हर रोज कम से कम एक ऐसा समाचार जरूर दें जो सकारात्मक हो, जो समाज को दिशा दे, जो समाज को आत्मविश्वास दे। अगर हम इस तरह से अपना काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि समाज हमारे साथ खड़ा होगा और अगर समाज हमारे साथ खड़ा होगा तो सरकार हमें मान्यता ना दे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अपने काम को गंभीरता से लेना होगा, अपनी मान्यता बढ़ाने के लिए खुद अच्छा काम करना पड़ेगा। हम इस काम के लिए खड़े हुए हैं और ये समाज का समाज के साथ संवाद है। इस संवाद में हम अगर अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएंगे, जिम्मेदारी से निभाएंगे तो निश्चय ही हमारी जो जरूरतें हैं और हमारी जो मांगे हैं उनको मंजूर किया जाएगा, उनको समर्थन मिलेगा और वो पूरे होंगे। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक और बात जो आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि
ईपीएल साथ ही नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुख्यालय है और हमारे संगठन के दो विशेष विभूतियाँ आज मैं उनको याद करना चाहता हूँ। एक डॉक्टर नंद किशोर ठेका जो पिछले वेज बोर्ड के सदस्य थे और प्रेस काउंसिल के सदस्य रहे, भारत टाइम्स के रेजिडेंट एडिटर रहे और एनी डे के एक तरह से आत्मा से। उनका पिछले वर्ष 15 जनवरी को देहांत हुआ था और एक वर्ष पूरा हो गया है। इस समय इस अवसर पर मैं चाहता हूँ कि आप सब उनको याद करें और उनकी जो प्रेरणा है उसको लेकर हम आगे बढ़ने का एक संकल्प करें। एक और विभूति जो इस संगठन के सबसे सुचारू व्यक्ति थे, शरीर से बहुत कमजोर पर मन से बहुत सबल, श्री राजेंद्र प्रभु, उनका परसों रात देहांत हो गया और अभी उनकी अंत्येष्टि कल हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उनकी याद को ध्यान में रखते हुए उनकी तरह संघर्षशील, उनकी तरह स्पष्ट दृष्टि वाले पत्रकार बनने का एक संकल्प लें और अपने आप को बुलंदियों तक ले जाने के लिए एक प्रेरणा उनसे लेकर आगे बढ़ें।